मधुबनी जिले के विहार अंतर्गत घोघड़िया थाने के चार बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। घोघड़िया थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष सर्वेश कुमार झा के नेतृत्व में चुगना के एक मंदिर के निकट पुआल की टाल से गुप्त सूचना पर छापेमारी के 180 ml मात्रा की 9 बॉटल अंग्रेजी शराब के साथ सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। यह आरोपी पुआल के टाल में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 180 ml मात्रा की 9 बॉटल अंग्रेजी शराब के साथ सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर दिया गया है। यह आरोपी पुआल के टाल से शराब को छिपा कर रखा हुआ था, बल्कि इस तरह से बेचने का काम करता था। अन्य घोघड़िया थाना कांड संख्या 107/22 दिनांक 10/8/2022 फादमी के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ग्राम देवनापट्टी निवासी को शराब पान पर हंगामा करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा है। वही थाना कांड संख्या 105/22 दिनांक 8/8/2022 फादमी की धारा 31 विहार मध्य निश्चित 2016 के नामजद अभियुक्त राधेश्याम मंडल डंगराहा ग्राम निवासी लौकी थाना क्षेत्र के जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस पर शराब रखने का आरोप है कि जिसके तहत विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसी के तहत से थाना कांड संख्या 61/2021 दिनांक 27/4/2021 फादमी की धारा में 341 323 511 307 379 504 506 34 के प्राथमिक अभियुक्त विक्रम हरि घोघड़िया को लंबित करने में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुल चार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस आशय की पुष्टि थाना अध्यक्ष सर्वेश कुमार झा ने की है। अपराध का जायजा के क्रम में विहार झारखंड क्राइम शावन न्यूज पहुंचा था विहार झारखंड।